और इस वक्त स्क्रीन के दूसरे हिस्से में, यानी इस स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको माँ बेटी की जोड़ी दिखाई दे रही होगी। माँ है कनकश्री जी और बेटी है सावनी। कनक जी ग्वालियर घराने से आती हैं और इन दोनों की जुगलबंदी के तमाम वीडियोज आपने सोशल मीडिया में भी देखे होंगे जो पिछले दिनों काफी लोकप्रिय हुए। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों को इस आपके शो में इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये जो जुगलबंदी आप लोगों की शुरू हुई, क्या ये जो लॉकडाउन ने हम लोगों को घरों में बंद कर दिया और थोड़ा सा क्रिएटिविटी को और बढ़ाने का मौका दिया? मैंने देखा बहुत से लोग कोई कोई जलेबियां बना रहा था, कोई समोसे बना रहा था, जो कलाकार है वो तरह तरह के जैमिंग कर रहे थे, जुगलबंदी कर रहे थे। तो क्या ये आइडिया लॉकडाउन की वजह से आया? नहीं, एक्चुअली हम पहले भी ऐसे वीडियोस डाला करते थे, लेकिन वो बहुत कम हम डाला करते थे क्योंकि वक्त ही नहीं होता था। रोज का रूटीन जो चलता है उसमें हमें वक्त ही नहीं मिलता था कि हम ऐसे साथ में कुछ डाल सके। मुझे इनसे सीखने को मिल जाता था, उतना ही मेरे लिए बहुत समय हो जाता था। तो लेकिन हाँ, लॉकडाउन जब से लगा उसके बाद में फ्री टाइम सभी का बढ़ गया, तो हम सोचने लग गए कि अब क्या डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि सिर्फ अच्छा गाने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम उस कोशिश को दूसरों तक भी पहुंचा सके, ताकि शायद वो भी ऐसी कोशिश करें। तो इसीलिए हम लोगों ने वो सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना ज्यादा बढ़ा दिया फिर हाँ, लॉकडाउन। और क्योंकि क्या घर में एक साथ एक दूसरे को सुनते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं साथ में कुछ मैच हो सकता है। अभी ऐसा होता है कि अगर मेरा कुछ थॉट रहता है तो उसको पहले से पता चलता है कि अब इसके बाद मम्मा ये गाने वाली है या ये आने वाला है आगे से, तो वो ट्यूनिंग हमारा काफी हद तक मैच हो जाता है, इसलिए सोचा कि कुछ तो है। हाँ, बस यही मैं बोल रही थी कि साथ में प्रैक्टिस करने से उसको भी ये कई बार पता रहता है कि अब नेक्स्ट ऐसा फ्रेज आ सकता है। एक दूसरे की थिंकिंग समझ में आने लग जाती है ना कि क्या सोच रहा है सामने वाला आगे के लिए, तो इसलिए सोचा कि कुछ तो भी ऐसा करके देखते हैं, लोगों को पसंद आता है या नहीं देखते हैं उस चीज को। अच्छा, सावनी में तो म्यूजिक निश्चित तौर पर आपसे आया होगा, यानी जब वो छोटी होंगी और आपको देखती होंगी, आपका रियाज देखती होंगी। आपके अंदर संगीत कहाँ से आया? हालांकि बहुत समृद्ध परंपरा है मध्य प्रदेश में संगीत की, आप ग्वालियर घराने से हैं, वहां बहुत परंपरा है। आपका संगीत सफर कैसे शुरू हुआ था? मेरा संगीत सफर एक्चुअली मेरे घर में भी संगीत शुरू से ही रहा है। मेरे जो मेरी मदर के जो फादर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर, नाना जी मेरे नाना जो जी थे, जी बहुत ही बड़े नामचीन हारमोनियम वादक रहे हैं, पंडित बंडू भैया चौगुले। तो ये इंदौर में एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने संगत की है, और इसलिए संगीत हमारे घर में शुरू से ही रहा है। तो हालांकि मैं कोई बहुत सीरियस नहीं रही कभी भी संगीत को लेकर, मुझे करना नहीं था वो, लेकिन आगे आगे जैसे ही कॉलेज और ये सब शुरू हुआ तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब सीखना चाहिए। तो मैंने अपनी तालीम फिर इंदौर से ही कल्पना जोगरकर जी हैं उनसे ली है, वो गुरु है मेरी, और बस ऐसे करके मेरा भी म्यूजिक का सफर शुरू हो गया। मैं कल्पना जी पर आऊंगा, लेकिन हम इस सीरीज में जो इंटरव्यू कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अपने कलाकारों से गुजारिश करते हैं कि वो कोई एक भजन सुनाए। तो आपसे भी ये गुजारिश करेंगे कि ये जो जुगलबंदी इतने दिन से हम लोग बहुत दूर से देख रहे थे सोशल मीडिया में, आज रूबरू होने का मौका मिला है, तो क्यों ना कोई पहले आप लोग एक भजन सुनाइए हमें और फिर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण शरण गहिए
कृष्ण शरण कहिए, श्री कृष्ण शरण कहिए। सदा सर्व माया है सर्वोत्तम, सदा सर्व माया है सर्वोत्तम, क्यों न सदा तो अब इस भजन के बाद अब हम आते हैं कनक श्री जी का जो विधिवत कह सकते हैं तालीम को लेकर और ग्वालियर घराने को लेकर। आपने अभी कल्पना जी का जिक्र किया, थोड़ा सा बताएं उनके बारे में, कैसे आप उनके पास गईं, चूंकि परिवार में हारमोनियम तो था ही। हारमोनियम यानी आप कह सकते हैं कि जितने भी कलाकार संगीत सीखते हैं, गायकी सीखते हैं, हारमोनियम तो वो उनके साथ बेसिक चलता ही चलता है साथ में। लेकिन गायकी सीखना है और कल्पना जी के पास जाने का जो सिलसिला, फिर उनसे सीखने का जो सिलसिला रहा, वो कैसा रहा, वो अनुभव कैसा रहा आपका? कॉलेज के दिनों में हम लोग एक यूथ फेस्टिवल होता है जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है यूनिवर्सिटीज की तरफ से, तो उसमें भाग लेने का मौका मिला मुझे। और चूंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे म्यूजिक में, जैसा मैंने आपको बताया, मुझे करना नहीं था, लेकिन वहां पे एक पार्टिसिपेशन का चांस मिला और इतने सारे लोगों के सामने गाने के लिए जब मौका मिला, तो घर पे फिर ऐसी बातचीत हुई कि अब ऐसा लगता है कि तुमको सीखना चाहिए। और मेरे नाना जी और कल्पना जोगरकर मेरे जो गुरु हैं, उनके पिता कृष्णराव मजुमदार जी, ये दोनों बहुत ही गहरे मित्र हैं। तो मेरे नाना जी ने कहा कि अब तालीम लेने की मतलब शुरुआत करनी चाहिए, तो उन्होंने कल्पना जी को बोला कि ऐसा ऐसा है, हमारी बच्ची गा रही है, जरा थोड़ा देखो गा सकती है क्या आगे। तो उनके पास में गई, तो फिर वहां पर सीखने का उन्होंने मुझे मतलब इजाजत दी कि हाँ मैं सिखाऊंगी, और करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मेरा गाना शुरू हुआ। और मैं उनके पास में 1999 से मैंने उनके पास गाना शुरू किया। ऐसे ही धीरे 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 मेरा गाना आगे बढ़ता रहा, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, और इसी से मैं कुछ ना कुछ करने का एक हौसला मिलता रहा है मुझे। अच्छा सावनी, माँ का तो क्लियर था MA, MPhil, मतलब भारी भारी जो डिग्रियां होती हैं जिससे मैं तो बहुत डरता हूँ वैसे, लेकिन आपकी क्लैरिटी क्या है? अभी अभी आप यंग हैं, सीख रही हैं, आपने सीखा है, आपका कुछ थॉट प्रोसेस बना है क्या कि मुझे संगीत को परस्यू करना है एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, या आप भी इस तरह से चल रही हैं कि हाँ ठीक है संगीत की साधना चलती रहेगी और पढ़ाई भी साथ साथ में चलती रहेगी, आगे जाके डिसाइड करेंगे? एक्चुअली पढ़ाई में मेरा शुरू से ही एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड रहा है, मतलब स्कूल के स्कॉलर्स में मेरा नाम ये लोग लेते हैं स्कूल में। लेकिन अभी मुझे एकदम ऐसा फील होने लगा है कि संगीत में शायद मैं कुछ कर पाऊंगी, तो उसे उतना सीरियसली परस्यू करना मैंने अब शुरू किया है। और मतलब मैं कहती हूँ मुझे बहुत देर हो गई ऐसा समझने में, लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि उन्होंने तो और भी देर से शुरू किया तो कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इंग्लिश लिटरेचर में BA कर रही हूँ, तो जरूर मैं पढ़ाई साथ साथ में करूंगी ही, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है जितना संगीत अच्छा लगता है। तो आगे जाके डिसाइड
करने जैसी स्थिति तो नहीं है, संगीत करना ही है, लेकिन लिटरेचर भी करना ही है, तो शायद आप मुझे किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनते हुए भी देखेंगे, लेकिन उसी दिन मेरा एक कार्यक्रम भी हो, ऐसी मैं इच्छा रखती हूँ। सामी ये बताइए कि आप अभी थोड़ी देर पहले जब हमने परिचय कराया आप लोग का, तो ग्वालियर घराने का नाम लिया, और आप जानती होंगी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो सबसे प्रतिष्ठित सबसे प्राचीन घराने हैं उनमें से ग्वालियर घराना आता है। तो कोई बैगेज साथ में रहता है, या कोई जैसे कभी मान मन करिए घर में कोई इंग्लिश गाना गुनगुनाने का मन कर गया, या कोई रैप गुनगुनाने का मन कर गया, या मन कर गया कि थोड़ा कुछ जैमिंग कर लें, कुछ पॉप गा लें, तो डर तो नहीं लगता कि यार ये डांट तो नहीं पड़ेगी कि मतलब क्या कर रहे हो ये? बिल्कुल भी नहीं, मैं बचपन से वेस्टर्न गाने ज्यादा गाया करती थी। हाँ मतलब ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये वेस्टर्न से एकदम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तरफ कैसे टर्न हो गई है। वैसे शी इज एब्सोल्युटली एन इंग्लिश सिंगर, ऐसा बोलना चाहिए अभी वेस्टर्न। मैंने आपको बताया इंग्लिश लिटरेचर के लिए मेरा बहुत प्रेम है, तो इंग्लिश भाषा के लिए भी शायद मेरा उतना ही प्रेम है, इसीलिए शायद। लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मैंने अब सीखना शुरू किया है, इस साल मेरा विशारद अंतिम की मेरी परीक्षा होगी, तो लेकिन वेस्टर्न गाने गुनगुनाने में कभी डर नहीं लगा, क्योंकि वो मैं शुरू से ही करती थी, कितना कोई मना तो करता नहीं था। तो क्योंकि घराने का बैगेज नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हम शास्त्रीय संगीत सवेरे या शाम को जब भी लगाते हैं कहीं भी इंटरनेट पे, तो हर किसी का शास्त्रीय संगीत हम सुनते हैं, वोकल हो या इंस्ट्रूमेंटल हो, तो किसी घराने में खुद को सुनते वक्त एटलीस्ट बांधने में अर्थ नहीं है ऐसा मुझे लगता है। तो वेस्टर्न हमारे यहाँ पे गाने बजते हैं तो माइकल जैक्सन से लेके किशोर कुमार से लेके वेंकटेश कुमार जी तक पूरी एक रेंज घर में कवर हो जाती है, और ये तो मुझे हंसती हुई मिलती है हमेशा। बस इनकी एक ही शिकायत है कि मैं एक ही गाना लूप पे 100 बार सुनती हूँ, फिर इनके सिर में दर्द होता है। नहीं तो वो कोई एक खास गाना है, या कोई भी गाना जो आप सुनती हैं वो 100 बार सुनती हैं? कोई भी गाना हो वो 100 बार सुनती है। ये मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नीलाद्री कुमार जी की बहुत बहुत बड़े फैन है, और मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्रीय संगीत जब इसने एक्चुअली क्लासिकल की तरफ सुनना शुरू किया होगा, जब तब पहले इंस्ट्रूमेंटली इसने सुनना शुरू किया, और उनके सारे ट्रैक इसको बाय हार्ट है, आपको मतलब आप इतने मिनट का इतना सेकंड पे अगर आप पूछेंगे कौन सा हरकत ली है कौन सी जगह है, तो वो भी उसको बाय हार्ट है, इतना उसने सुना है उनको, तो मतलब हर तरह की चीजें सुनने में उसको बहुत इंटरेस्ट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना वर्सिटैलिटी होनी चाहिए हर इसकी, हर म्यूजिक को एंजॉय करते आना चाहिए। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर सावनी जिस एज ग्रुप में हैं, उस एज ग्रुप के तमाम लोग हैं जिनको नीलाद्री बहुत पसंद है, और खास तौर पर उन्होंने जो अपने सितार के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, जिस तरह से वो कम समय में आपका दिल जीत लेते हैं, निश्चित तौर पर उनके फैन बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पर आपसे एक अनंत जी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक शास्त्रीय राग जो आपने सिखाया हो सावनी को, या सावनी सीख रही हो, ताकि वो भी आपके साथ उसमें कुछ संगत कर सकें, तो कोई एक राग सुनाइए हमें।
ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।